नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। बता दें, राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर देश भर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके फैंस लगातार दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 37 दिनों से राजू श्रीवास्तव के लिए लगातार दुआओं का सिलसिला इस बात का सबूत है कि फैंस के दिलों में राजू श्रीवास्तव के लिए कितना प्यार है। और अब यही प्यार राजू श्रीवास्तव की हालत के लिए अमृत साबित हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 37वें दिन राजू श्रीवास्तव की हालत में काफी सुधार देखा गया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि राजू श्रीवास्तव का बुखार अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसके साथ जो इन्फेक्शन का खतरा राजू श्रीवास्तव पर मंडराया हुआ था वो भी अब काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि अब लंबे इंतजार के बाद राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी एक सवाल जो लगातार फैंस पूछ रहे हैं उसका जवाब दिल्ली के डॉक्टर्स अभी नहीं दे पा रहे हैं। वो सवाल यही है कि आखिरकार राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर से कब हटाया जाएगा। डॉक्टर्स लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक राजू श्रीवास्तव पूरी तरह से होश में नहीं आ जाते तब तक वेंटिलेटर से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। आखिरकार अब फैंस को और कितना इंतजार करना पड़ेगा राजू श्रीवास्तव को होश में आता हुआ देखने के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।